अगर आपने नॉर्थ सिक्किम नहीं देखा एंड दिसंबर में नॉर्थ सिक्किम नहीं देखा तो कोई बात नहीं, स्टे होम, वॉच टिल द एंड एंड लेट मी टेक यू टू द माउंटेन इन नॉर्थ सिक्किम। तो सिक्किम सीरीज का फर्स्ट एपिसोड अगर आपने देखा है तो गैंगटॉक एक्सप्लोर करने के बाद यस्टरडे हम नॉर्थ सिक्किम आ गए। सुबह के 5:48 बज रहे हैं और यहाँ की ठंड में उठना तो बहुत ही मुश्किल था, पर एक्साइटमेंट मुझे रोक नहीं पाई और तैयार होकर होटल से निकल ही रहे थे तभी हमने सनराइज का ये व्यू देखा। बाहर भाई साहब -4 degrees की एक्सट्रीम ठंड हो रखी थी, ये मेरी इंस्टा स्टोरी देख सकते हो और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो लाइफ ऑफ सूरज सर्च करके। खूबसूरत सनराइज तो हमने देख लिया था पर अब हम वेट कर रहे थे ड्राइवर वाले भैया का जिनका नाम है देवाशी। और हमारे ड्राइवर वाले भैया अभी तक आए नहीं है और हम लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए, तो वो आते ही निकलेंगे। मैन यहाँ पे -4 degrees Celsius है, अभी ठंड काफी ज्यादा है, बिल्कुल हाथ वगैरह फ्रीज हुआ है और काफी मजा आ रहा है, बट सुबह उठ के जब ऐसा नजारा दिख रहा है तो मतलब क्या ही बोलो। फाइनली कुछ देर बाद हमारे देवाशीष भैया आ गए और हमने जर्नी स्टार्ट किया, पर कहते हैं ना सफर में अजनबी भी हम सफर बन जाते हैं, तो ये टीम और हम इस बार एक साथ ट्रेवल करेंगे बिकॉज हम सभी ने एक ही ट्रेवल एजेंसी से ये टूर बुक किया है एंड दिस पीपल आर वेरी फ्रेंडली नेचर। नॉर्थ सिक्किम का पहला दिन हम लाचेन की साइट सीन एक्सप्लोर करेंगे जिसमें से एक है काली। एंड गाइस नॉर्थ सिक्किम की डेस्टिनेशन जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही बेहतरीन यहाँ के रास्ते होते हैं। यहाँ का लैंडस्केप इज लाइक, मैं वीडियो बना बना के नहीं थक रहा था और आप देख के नहीं थकोगे। कभी कभी आपके सामने इतने खूबसूरत नजारे होते हैं कि आपको लगता है कि क्या ये सपना है, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट राइट नाउ। एंड द सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम बिटवीन द माउंटेन इज लाइक सूरज, आई एम फॉलोइंग यू। और अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे पर ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि लोग यहाँ सब कुछ कर रहे थे लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं। तो भैया हम रुके हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए, नजारा देखो। अरे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंजॉयमेंट तो बनता है। Nature always had a different surprise for me. So breakfast is done and अभी हम लोग ready हो रहे हैं, अभी थोड़े में निकलने वाले हैं and the view is really amazing. If you want to see unique breakfast, then follow him. Yes, just follow me. ये है ice और ये bread. Okay. इसको ऐसे डालना होगा और इसके ऊपर ऐसे ऐसे रब करिए और देखिए क्या light breakfast है ये. Master Chef India. अब इसको ऐसे सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। हिन्ना जुम ला और चल पड़े कालिब की तरफ, एंड कालिब तक का रास्ता तो मुझे अलग ही कंट्री की फील दे रही थी। And we
ईस्ट कालीन एंड स्नो ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां आगे नहीं जा रही थी। यहां आर्मी की ट्रक्स टायर में चेन बांध के चल रहे थे, तो हमने ज्यादा रिस्क ना लेते हुए गाड़ी से उतरकर कुछ देर पैदल चलने का फैसला लिया। तो आसपास अभी बहुत बर्फ है और काफी मजा आ रहा है, और अभी बर्फ में एंजॉय करेंगे, फिर आएगी कहानी देखी जाएगी। हम शहर के लोग स्नो को देख के अपने आप पर कंट्रोल खो देते हैं और लग जाते हैं एंजॉय करने पे। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। एंड देन इस ब्रिज पे गए जहाँ इंडो चाइना का बॉर्डर काफी करीब से देखने मिलता है। और ये देखिए, ये पहाड़ी के पीछे, इस पहाड़ी के पीछे चाइना है, इस पहाड़ी के पीछे। और यहाँ पे बंकर भी है, ये देखिए, ये बंकर है, तीनों इधर पे बंकर है और ये पहाड़ी के पीछे चाइना है। सैल्यूट टू आवर जवान्स फॉर वर्क सो हार्ड इन दिस कंडीशन। लाचेन कालिक में मैंने बहुत अच्छे पल जिए, अपनी देश की सीमा को करीब से देखा और नॉर्थ सिक्किम का पहला दिन लवली था। इस जगह को लेके मैं बताना और भी चाहता हूँ, लेकिन ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कीप लविंग थ्रू योर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो।